विराट कोहली के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी छोड़ दी है कप्तानी, यानी कि जुलाई के महीने में जब पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने भारत जाएगा इंग्लैंड, तब दोनों ही टीमों के होंगे नए कप्तान। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports. I know IPL चल रहा है, I know T20 season चल रहा है और उसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन international cricket से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है जो मेरा आपको बताना यहाँ पर ज़रूरी था और अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ दी है। और ये वाजिब था क्योंकि काफ़ी समय से ये चीज़ें कही जा रही थी कि इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है दैट हैज़न्ट बीन परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। जो टॉप की टेस्ट टीम्स हैं जो रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलती है उसमें इंग्लैंड की टीम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाली टीम है पिछले दो सालों में। ना वो अपने घर पर जीत पा रहे हैं और ना बाहर जीत पा रहे हैं। ऐसे में जो रूट ने वेस्ट इंडीज के दौरा खत्म होने के बाद कहा कि मैंने कुछ दो हफ्ते लिए सोचने समझने के लिए और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे टेस्ट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये मेरे मेंटल और फिजिकल के साथ साथ मेरी परफॉर्मेंस पर भी अब असर डालने लगा है। एक खराब एशेज टूर, उसके बाद वेस्ट इंडीज में भी टीम ने ज्यादा अच्छा नहीं किया। ऐसे में अब इंग्लैंड के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि उनका अगला कप्तान कौन बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि कप्तान के बाद उसी को कमान सौंपी जाती है जो कि वाइस कप्तान होता है, लेकिन यहां पर इंग्लैंड के टेस्ट के वाइस कप्तान लंबे समय से बेन स्टोक्स रहे हैं, लेकिन बेन स्टोक्स को कप्तानी देने में समस्या ये है कि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर जो कि अक्सर मेंटल हेल्थ और बायो बबल की वजह से उन्होंने हाल फिलहाल में ब्रेक भी लिया है, तो क्या आप उन पर वो बर्डन डालना चाहते हो क्योंकि वही एक सर्टेन प्लेयर हैं जो इंग्लैंड के हर फॉर्मेट में जगह बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जो फैब फोर थे हमारे विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन, उनमें से अब सिर्फ केन विलियमसन ही एक वो प्लेयर हैं जो कप्तान रह गए हैं अपनी इंटरनेशनल टीम के। अभी एक टेस्ट मैच भारत को जुलाई में खेलने इंग्लैंड जाना है जो कि सीरीज डिसाइडर होने वाला है। ऐसे में दोनों ही टीमें हमें नए नए कप्तानों के साथ दिखाई देंगे और आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि किसी सीरीज के बीच में दोनों टीमों के कप्तान बदल गए थे, बट दैट इज द वे इट इज। तो अब बेन स्टोक्स के अलावा इंग्लैंड के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन तो मेरे हिसाब से अगर आप बेन स्टोक्स की तरफ नहीं जा रहे हो तो जॉनी बेयरस्टो है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो इंग्लैंड के पास है दैट इज जॉस बटलर, और तीसरा और आउटसाइड ऑप्शन है दैट इज स्टुअर्ट ब्रॉड। लेकिन अब इंग्लैंड की जो हालिया थिंक टैंक आया है, खास करके पॉल कॉलिंगवुड एंड एंड्रयू स्ट्राउस, वो अब आगे की तरफ देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बोलिंग। वैसे उनकी बोलिंग में समस्या नहीं थी, समस्या उनकी बैटिंग में है। और उसके अलावा कुछ काउंटी क्रिकेट में जो अच्छे कप्तान हैं इंग्लैंड के, जैसे जेम्स विंस, बेन डकेट, इनका भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं। बेन डकेट का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने का एक्सपीरियंस उनके पास है। वहीं जेम्स विंस अब धीरे धीरे वापस से इंग्लैंड की टीम में उनको लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जॉस बटलर के साथ जॉनी बेयरस्टो, उसके साथ बेन डकेट, जेम्स विंस, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है बेन स्टोक्स। लेकिन क्या बेन स्टोक्स अब इंग्लैंड के कप्तान बनना चाहेंगे? देखिए, इंग्लैंड के कप्तान बनने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आपकी उनकी प्लेइंग 11 में जगह बननी चाहिए। जो रूट के बाद अगर किसी ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में पिछले साल, तो वो एक्स्ट्राज ने रन बनाए हैं, यानी कि लेग बाइज, वाइड, नो बॉल्स, ये सबसे ज्यादा रन इन्होंने इंग्लैंड के लिए बनवाए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंग्लैंड की कितनी ज्यादा हालत खराब चल रही है। ऐसे में अगर अब मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, आपको बेन स्टोक्स के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान बनते हैं तो हो सकता है कि वो हमको आगे आईपीएल में खेलते हुए ना दिखें, जैसे वो हमें इस साल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी वनडे और टी20 क्रिकेट में भी कटौती करेंगे। हालांकि वहां पर बेन स्टोक्स की कमी को भरने के लिए इंग्लैंड के पास प्लेयर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स का कप्तान बनना बहुत जरूरी है। हालांकि वो एक ऑलराउंडर हैं और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और फास्ट बॉलर कभी भी इंजर्ड हो सकता है। ऐसे में बेन स्टोक्स आपकी ऑटोमेटिक चॉइस हैं। अगर बेन स्टोक्स नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी है क्योंकि जॉनी बेयरस्टो इज नॉट दैट ग्रेट अ टेस्ट प्लेयर इन माई ओपिनियन। जॉस बटलर का आप टेस्ट टीम में जगह बनाना मुश्किल है। ऐसे में स्टुअर्ट ब्रॉड भी हमें आउटसाइड चांस के साथ कप्तान बनते हुए दिख सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वो जेम्स विंस की तरफ जाने वाले हैं, या कोई जेक लीच जो स्पिनर है उनकी भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। ऐसे में मेरा मानना है कि बेन स्टोक्स इज द फ्रंट रनर फॉर इंग्लैंड कैप्टन, और उनको ही इंग्लैंड का कप्तान बनना चाहिए। 90% बेन स्टोक्स ही इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बनेंगे, एंड ही इज माई फेवरेट प्लेयर ऑन प्लैनेट अर्थ राइट
राइट नाउ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बेन स्टोक्स को आखिरकार वो मुकाम मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं, एंड आई थिंक ही विल डू अ थॉरली गुड जॉब फॉर इंग्लैंड टेस्ट टीम। लेकिन जो रूट का कप्तानी छोड़ना इंग्लैंड के लिए बड़ा सेटबैक इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी की वजह से खराब नहीं कर रहा है, उनकी टीम नहीं सही है, उनका मैनेजमेंट नहीं सही है, उनके जो ECB में डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो नहीं सही है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की कप्तान बनना चाहिए या फिर आप किसी और को, या जॉनी बेस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड या फिर जेम्स विंस जैसे खिलाड़ियों को, बटलर जैसे खिलाड़ियों को कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं। बटलर के साथ कप्तान बनाने में इशू यह है कि ओयन मॉर्गन की भी जल्द ही कुर्सी जाने वाली है इन माई ओपिनियन। जल्द ही आपको जॉस बटलर इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान दिख सकते हैं, दैट इज वेयर ही इज द मोस्ट पावरफुल। ओयन मॉर्गन अगर बहुत अच्छा कोई सीजन परफॉर्म करके दे दें या T20 वर्ल्ड कप जिता दें तब तो आपको वहां पर ओयन मॉर्गन कप्तान दिख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता या उससे पहले भी आपको जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान बनते हुए देख सकते हैं। तो ओयन मॉर्गन को एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस करके देनी होगी इंग्लैंड की टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए, वरना आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास लियम लिविंगस्टोन है, आपके पास ऑलरेडी बेन स्टोक्स हैं, सैम करन हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं वहाँ पर। जॉस बटलर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, जॉनी बेयरस्टो को आपको नंबर 4 पर खिलाना पड़ता है, और भी यंग लड़के निकल करके आ रहे हैं, तो देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी फॉर इंग्लैंड क्रिकेट इन बोथ द फॉर्मेट्स, वाइट बॉल और रेड बॉल। लेकिन रेड क्रिकेट की जहां तक बात है, आई थिंक बेन स्टोक्स शुड बी एंड विल बी द कैप्टन। अब आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि जब भारत अपना पांचवा टेस्ट मैच खेलने जाएगा तो रोहित शर्मा के साथ टॉस कराने इंग्लैंड की टीम से कौन आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। जल्दी से आपको यह खबर देनी थी और अब वापस से IPL पे लौटते हैं, और जल्दी ही आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।